प्रैक्टिस करो ना अक्षर, डेमोंस्ट्रेट करने स्टार्ट फुल इंस्ट्रूमेंट। देखो स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंसर्शन लाइन की बात करते हैं, ठीक है। तो इंसिजन लाइन जो होता है सबसे पहले यहाँ पे होता है बीच में, उसको बोलते हैं सिम्फाइसिस मेंडाई, ठीक है। सिम्फाइसिस मेंडाई के नीचे होता है यहाँ पे हायोइड बोन, ठीक है। उसके नीचे होगा थायरॉइड कार्टिलेज, और उस सबसे यहाँ पे जो होगा वो हो गया सुपरा स्टर्नल नॉच, ठीक है। तो ये मिड लाइन इंसीजन दी है हम लोग, ठीक है। उसके बाद सुपरा स्टर्नल नॉच से जब हम इधर देखेंगे तो हमको मिलेगा क्लाविकल बोन। तो क्लाविकल बोन के ऊपर ऊपर जाएंगे अप टू द एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सिम्फाइसिस मैंडिबाई है उससे हम लोग उसके बाद आएंगे एंगल ऑफ मैंडिबल पे। एंगल ऑफ मैंडिबल के बाद जाएंगे हम मैस्ट्रॉइड प्रोसेस तक। इस तरह से इंसीजन लाइन लेंगे और इसको रिट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो हम रिट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो लेयर है वो है स्किन, और इसी के अंदर है सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। स्किन और सुपरफिशियल फेशिया, और ये जो है ये है ये है प्लेटिज्मा, ठीक है। स्किन के नीचे होता है प्लेटिज्मा, ठीक है। ये थोड़ा जैसे हार्ड होता है, ठीक है ना। तो स्किन हो गया, फिर सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, उसके बाद प्लेटिज्मा। प्लेटिज्मा के नीचे आता है एक्सटर्नल जुगलर वेन। ये चीज़ जो दिख रहा है ये है एक्सटर्नल जुगलर वेन। इस एक्सटर्नल जुगलर वेन को निकालने के बाद यहाँ पर जो दिखेगा वो होगा इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया। इस सब को कवर किए रहेगा, इसको हटाया गया फिर ये चीज़ दिख रहा है। तो हम लोग ये जो टॉपिक है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक, तो इसकी बाउंड्रीज देखते हैं पहले, ठीक है। तो जो ये एंटीरियर बाउंड्री, ये पहले हम देख लेते क्या होता है। ये है क्लाविकल, ठीक है। ये चीज़ है तुम्हारा क्लाविकल। ये है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, ठीक है। स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड में इसका दो हेड होता है, स्टर्नल हेड, और ये हुए क्लाविकल हेड, और यहाँ पे हो गया स्टर्नल हेड। और ये जो मसल है यहाँ पीछे में पूरा, ये मसल है ट्रेपीजियस मसल, ठीक है, ट्रेपीजियस। तो ये हो गया तुम्हारा बाउंड्री। क्लाविकल हो गया इन्फीरियरली, ये ट्रेपीजियस हो गया पोस्टीरियरली, और ये स्टर्नो एंटीरियरली हो गया स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। तो ये जो ट्रेपीजियस होता है और स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल होता है, दोनों मिलके एपेक्स पे इंसर्ट होता है। कहाँ पे? सुपीरियर न्यूकल लाइन पे, ठीक है। सुपीरियर न्यूकल लाइन पे वहीं एपेक्स भी बनेगा, वहीं दोनों मिलके इंसर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग लेयर को हटा दिए, ये ट्राइंगल बना, पोस्टीरियर ट्राइंगल। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पार्ट, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये है ओमोहाइड मसल, ठीक है। ओमोहाइड मसल जो होता है यहाँ पे हाइवाइड बोन से कनेक्टेड होगा। तो ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, इसको दो पार्ट में देखते हैं, इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड और सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड। तो यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा है ये है तुम्हारा इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड, जो कि फर्दर इस पोस्टीरियर ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाला ऑक्सीपिटल ट्राइंगल और नीचे वाला होता है सब क्लेवियन ट्राइंगल या सुपरा क्लैविकुलर ट्राइंगल, क्योंकि ये क्लैविकल के ऊपर है, तो सुपरा क्लैविकुलर ट्राइंगल। ये हो गया तुम्हारा ट्राइंगल। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोर की, ठीक है, फ्लोर की। तो ये जो यहाँ पे तीन मसल दिखेगा, ये जो मसल दिख रहा है पूरा, ठीक है, ये मसल, ठीक है। तो ये मसल जो है इसका नाम होता है स्प्लीनियस कैपिटिस, ठीक है, स्प्लीनियस कैपिटिस। ये जो मसल है इसको बोलते हैं हम लोग लिवेटर स्कैपुलाई, ठीक है। और ये जो मसल है इसको बोलते हैं स्कैलिनस एंटीरियर, स्कैलिनस मीडियस, ठीक है, लिवेटर स्कैपुलाई और स्कैलिनस मीडियस। ये जो चीज़ दिख रहा है जो कि कट चुका है, ये लिवेटर स्कैपुलाई के ऊपर लाई करता है, और स्टर्नोक्लियोडोमास्टॉइड के पोस्टीरियर बॉर्डर से अराइज होता है। ये है तुम्हारा एसेसरी स्पाइनल नर्व, ठीक है, एसेसरी रूप को 11th क्रेनियल नर्व, ठीक है, ये हो गया। और ये जो दिख रहा है हमको, ये स्कैलिनस मीडियस के आगे जो ये दिख रहा है, ये है तुम्हारा ब्रेकियल प्लेक्सस का ट्रंक और रूट इस एरिया में लाई करता है, ठीक है। और बाकी ब्रांचेस और कॉर्ड जो होता है वो इसके नीचे यहाँ पे लाई करता है। तो इस स्कैलिनस मीडियस के आगे थोड़ा सा जाओगे तो मसल दिखेगा, दैट इज स्कैलिनस एंटीरियर मसल, ठीक है। ये मीडियस हो गया और ये एंटीरियर हो गया, ये हो गया फ्लोर, ठीक है। उसके बाद और कुछ दिख रहा था, हो गया फ्लोर, हो गया दो ट्रायंगल हो गए, ठीक है, सुपरा ये ब्रेकियल फ्लेक्सस वाला हो गया, हो गया लगभग मेरे ख्याल से, हो गया, हाँ हाँ ठीक है।